जिसको ढूंढा हमने गली गली, वो सूट हमें मिंत्रा की सेल में मिली। सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड आज मैं आई हूँ बहुत सारे वेलवेट के सूट लेके, जैसे कि आपने देख लिया है। एंड हम अभी इंस्टेंट ट्राई ऑन भी करने वाले हैं, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू माई इंस्टेंट रिएक्शन। ये सारे ही कुर्ता सेट्स मैंने मिंत्रा से लिए हैं। दीज आर प्रीमियम क्वालिटी एंड डिज़ाइनर लुक्स वाले वेलवेट वाले कुर्ता सेट, क्योंकि अब बिल्कुल ठंडी स्टार्ट हो गई है। अब ठंड लग रही है, मुझे सच में ठंड लग रही है लिटरली। चलो ट्राई करते हैं सबसे पहला कुर्ता सेट। सो मिंत्राज एंड ऑफ रीजन सेल इज लाइव नाउ एंड यू कैन ग्रैब अप टू 50 to 90% ऑफ। तो 90% ऑफ बहुत हो जाता है, डेफिनेटली ट्राई करना, बिकॉज इस टाइम पर जो सबसे महंगी चीज़ें होती हैं ना साल में, वो भी बहुत कम प्राइस में मिलती हैं। तो चलो ये वाला सूट पहले ट्राई करते हैं। दिस इज बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ अतरंगी स्टाइल दैट आई रियली लाइक। मुझे कलर कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा लगा, सो आई ऑर्डर्ड एंड आई थॉट ऑफ ट्राइंग इट आउट। ये जो इसमें पैंट आता है वो कुछ इस टाइप का आएगा। इट हैज दिस ब्यूटीफुल बॉर्डर और ये एक सलवार टाइप में है, मतलब सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस आउट, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है कलर मुझे। एंड इसमें इधर चुन्नट भी दिए गए हैं, तो ये डेफिनेटली बिल्कुल सलवार वाला ही पैटर्न है। इसका जो कुर्ता है वो थोड़ा सा ए लाइन स्टाइल में शॉर्ट कुर्ते का पैटर्न है। एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड सांग्रिया इन द साइज मीडियम। सांग्रिया के साइज थोड़े से अप होते हैं, सो आई शुड हैव ऑर्डर्ड स्मॉल, बट मीडियम भी आजकल जो पाकिस्तानी सूट्स चल रहे हैं दे आर प्रीटी लूज, तो ये उसमें एडजस्ट कर लेंगे हम। और इसमें जो स्लीव्स आई हैं वो कुछ इस टाइप की, दे आर ऑल्सो इन द पाकिस्तानी स्टाइल। इट हैज दिस ब्यूटिफुल एम्ब्रॉयडरी और इसका जो वेलवेट है काफ़ी सॉफ्ट है, वेरी लाइट वेट एज वेल। देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बहुत टॉप नॉच क्वालिटी का वेलवेट है, बट अगर आप इसके अंदर कुछ गर्म पहनोगे तो सर्दी नहीं लगेगी, बिकॉज ये काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन ये बहुत ज़्यादा हैवी वाला वेलवेट नहीं है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी आज। बट दिस इज काइंड ऑफ दिस सॉर्ट ऑफ वेलवेट जो आजकल लाइकरा में चल रहा है, वही वाला है। एंड इसमें जो नेक का पैटर्न है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा दिया गया है यहाँ पर ये सेंटर में। लेट्स ट्राई दिस आउट और फिर हम देखेंगे कि ये लग कैसा रहा है। एक्चुअल में क्वालिटी उसकी ठीक ठाक है, सुपर सॉफ्ट एंड आई अभी तक तो कंफर्टेबल लग रहा है, बाकी पहन के पता चलेगा। तो कुर्ते का फिटिंग अच्छा आया है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये मुझे बड़ा है ज़्यादा, बिकॉज आई कंप्लीटली फील कंफर्टेबल इन दिस और ज़्यादा कंधे भी नहीं गिर रहे हैं, तो मुझे सही लगा। और स्वेटर पहनने के बाद तो अंदर ही एकदम परफेक्टली फिट हो जाएगा। स्लीव्स इसके बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं। नाउ मैंने एक बिंदी ऐड कर ली, बाल खोलने हैं, पैंट में भी दिखाऊंगी, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू एड फ्यू ईयर रिंग्स जिससे कि लुक थोड़ा अच्छा लगे हमारा देखने में, तो मैं ये वाले ईयर रिंग्स ऐड कर रही हूँ। उनका लिंक नहीं है मेरे पास, मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ, बिकॉज ये काफ़ी पुराने हैं बट ये लुक के साथ काफ़ी अच्छे से जा रहे थे, तो आई थॉट ऑफ जस्ट यूजिंग देम। और हाँ ये अच्छे लग रहे हैं। आप चाहो तो यहाँ पर सिंपल हुप भी पहन सकते हो, छोटी छोटी झुमकियाँ भी पहन सकते हो, दोनों ही बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करेंगी इसको। तो दिस इज द फाइनल लुक और मुझे तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और अच्छा अच्छा लग रहा है। ठंड भी मुझे कम लग रही है बिकॉज मैंने टी शर्ट पहनी हुई थी और अभी सामने से इधर ठंड आती है काफ़ी, बट हाँ ये वाला लुक मुझे काफ़ी अच्छा लगा। दिस इज द कंप्लीट लुक। ये जो पिंक है बहुत अच्छे से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर रहा है। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट तो ये वाला पैटर्न काफ़ी अच्छा है, बिकॉज स्ट्रेट पैंट्स और कुर्तियाँ तो काफ़ी होती हैं वेलवेट में, काफ़ी मिल भी जाती हैं भरमार में, बट दिस लुक्स क्वाइट एलिगेंट एंड कम्फर्टेबल, बिकॉज ये पैंट भी बहुत ज़्यादा वैसा नहीं है। आप इसके अंदर गर्म पजामे भी पहन सकते हो तो भी कोई इशू नहीं होगा। ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं नेक्स्ट टाइम पहाड़ों पर जाऊँ तो मैं ही पहनकर जा सकती हूँ, मेरे फोटोज़ बड़े अच्छे आएंगे। बस अंदर कुछ हैवी पहनना पड़ेगा। सो दिस इज़ द फाइनल लुक एंड I really really like. ये तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है to be frank. So this is going to be 10/10 from my side. Another इस pattern के हिसाब से अगर मैं इसके price की बात करूँ, it's quite justified and काफ़ी affordable range में मिल गया मुझे उस हिसाब से। क्या है मुझे खुद नहीं पता, let's check. Okay, तो ये भी एक पैंट और कुर्ते का सेट है। वो इसका जो वेलवेट है वो काफ़ी बेटर है, मतलब थोड़ा हैवी क्वालिटी का है। सो दिस इज काइंड ऑफ सॉफ्ट। एक्चुअली ये ना थोड़ा मुझे वेलवेट से ज़्यादा वो थोड़ा फरी सा फैब्रिक नहीं आता वैसा फील हो रहा है, बट या इसका लुक वैसा ही है। इसमें पैंट आएगा प्लेन, विच इज़ अ स्ट्रेट फिट पैंट इन ब्लैक कलर। बड़ा ही सॉफ्ट है, मतलब ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगने वाला है पहन के। एंड कमिंग ऑन टू द कुर्ता, दिस इज़ इन द प्रिंट एंड द ब्रांड इज HK कलर्स ऑफ फैशन। आई नेवर ट्राइड दिस ब्रांड बिफोर, बट चलो। तो ये कुर्ता कुछ इस टाइप का आया है। इसमें ना पूरे में प्रिंट दिया गया है, ये कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है, ये कोई वीविंग नहीं है, बट दिस इज प्रिंट। सो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है व्हेन इट कम्स टू प्रिंट, बट इसकी जो प्रिंट की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी दी है। सो आई एम प्रीटी श्योर कि ये धुलने के बाद इतनी आसानी से नहीं जाएगा। एंड इसका लुक बहुत ज़्यादा सुंदर आता है, मतलब लुक तो इसका ब्रोकेड जैसा आ रहा है दूर से, बट एनीवेज लेट्स ट्राई दिस आउट। एंड पीछे से एकदम प्लेन मिलेगा, मैं इसको पहन कर दिखाती हूँ कैसा लग रहा है, फिर मैं आपको बताऊँगी कम्फर्ट हैवीनेस। ये लाइट वेट है लेकिन ये थोड़ा हैवी है, लेट्स ट्राई। सो दिस इज समथिंग आई कैन कॉल परफेक्ट विंटर कुर्ता सेट, क्योंकि इतनी सी ठंड नहीं लग रही है मुझे इसमें एंड इट्स 12 degrees outside, तो अभी तो मुझे बढ़िया लग रहा है इसमें एकदम।
एंड इफ आई टॉक अबाउट द फ्रंट फिटिंग इट्स क्वाइट नाइस क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने एक हुक भी दिया है जिसके पैटर्न है जो स्लीव का वो भी काफी अपीलिंग लग रहा है मुझे. सो चलो लेट्स स्टाइल दिस अप एंड इसका पैंट भी मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा, मतलब मुझे बिल्कुल ठंडी लग रही है इसमें, कहने का मतलब ये है सीधा सीधा. और साथ में मैं ये वाले इयररिंग्स पहन रही हूँ बिकॉज ये थोड़े से ज़्यादा बेटर लगेंगे. इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो वेयर गोल्ड झुमकास या फिर कोई नेकलेस भी पहन सकते हो, वो भी अच्छा लगेगा, बट आई वांट समथिंग न्यूट्रल तो मैं यही पहन रही हूँ. चलो पूरा लुक देख लेते हैं. तो ये आएगा इसका फाइनल लुक. आप इसको आराम से कैरी कर सकते हैं फॉर ऑफिस, फॉर वर्क या फिर कहीं नॉर्मली जाना है आपको ठंडी में एंड यू लव टू कैरी सूट्स बिकॉज ट्रस्ट मी सूट्स आर द मोस्ट कम्फर्टेबल आउटफिट एवर. मुझे उनसे ज़्यादा कम्फर्टेबल कुछ नहीं लगता, मैंने सब कुछ पहन के देख लिया. तो ये पैंट्स काफ़ी कम्फर्टेबल हैं, आप आराम से इनमें योगा वाले पोजेस भी कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस मे बी. मतलब ये बहुत ज़्यादा सही है और कुर्ता भी मुझे अच्छा लग रहा है. इज जस्ट दैट कि आई एम नॉट श्योर अबाउट इट्स प्रिंट, बाकी एकदम लुक. तो चलो कुछ पिंक ट्राई करते हैं बिकॉज ऑब्वियसली पिंक तो होना चाहिए ना वीडियो में, मेरा फेवरेट कलर है. इट्स अ ब्यूटिफुल कुर्ता सेट, इट्स अ परफेक्ट पार्टी वेयर सेट क्योंकि इसका जो डिज़ाइन है, जो इसका पैटर्न है, इट्स अप्रोप्रिएट. और इसके साथ ना ये जो दुपट्टा आया है ऑर्गेन्जा में अलग से पॉलिथिन में पैक करके दिया है इन्होंने, बहुत इज्जत दी गई है दुपट्टे को बेसिकली, वरना लोग ऐसे ही डाल देते हैं उसको. तो इसमें जो पैंट आया है इट्स ऑफ दिस ब्यूटिफुल पिंक कलर एंड ये कुछ ऐसा है. दिस इज़ नॉट वेरी लाइट बट नॉट सो हैवी वाला कपड़ा है इसका एंड इसमें बॉटम में इस तरीके से एम्ब्रॉयडरी मिलेगी आपको एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेन पिंक पैंट बट काफ़ी अपीलिंग और ब्राइट कलर है, काफ़ी अट्रैक्टिव है. साथ में जो इसमें कुर्ता आया है इज़ ऑल्सो वेरी नाइस. सो दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम द ब्रांड सांग्रिया. वैन इट कम्स टू सांग्रिया तो सांग्रिया का एक आई थिंक एजेंडा है कि दैट दे विल प्रोवाइड यू वेरी डिज़ाइनर पीसेस, तो वो यही करते हैं हमेशा, दे विल गिव यू द ट्रेंडीएस्ट थिंग्स. तो इसमें एम्ब्रॉयडरी फ्रंट में ऐसी आएगी बहुत ही ब्यूटिफुल सी ऑन दी नेक. ये इन्होंने इस पर अलग से नेक बनाकर लगाया हुआ है सो इट विल गिव यू टू लेयर्स ऑफ वेलवेट हेयर एंड यहाँ पर आपको इसमें ये स्लीव्स भी मिल जाएंगी. मुझे लगता है कि ये कुर्ता बहुत सुंदर लगेगा पहन के, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट्स. एंड नीचे इसमें आपको इस तरीके से बूटा मिलेगा एंड दो लाइंस भी हैं फ्रंट में. चलो ट्राई करके आती हूँ, देन आई एम गोना शो यू एंड दुपट्टा भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ. तो कुर्ते का फिटिंग मुझे अच्छा लगा, इज जस्ट दैट कि ये जो है ये कमर से हल्का सा टाइट है, इनफैक्ट फ्रंट से मुझे नहीं लग रहा बट यहाँ से एक हल्का खिंचाव है इस कुर्ते में, बाकी फिटिंग अच्छा है इसका. एंड जो इसके साथ दुपट्टा आया है इज दिस ब्यूटिफुल कटवर्क वाला दुपट्टा जिसमें एम्ब्रॉयडरी भी है, तो इसके साथ अच्छा लगेगा. बट आप चाहो तो कोई अपना शॉल या फिर स्टॉल भी ले सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू. टू मेक इट लुक अ लिटिल पार्टी वेयर मैं सोच रही हूँ उसके साथ एक नेकलेस ऐड किया जाए बिकॉज पार्टी वेयर में नेकलेस अच्छा लगता है कुछ इस तरीके का. उसके साथ का जो सेट है पूरा मैं इयररिंग्स वाला वो पहन रही हूँ. ऑल्सो एम एडिंग अ कड़ा और ये हो गया हमारा फाइनल लुक. यू कैन ईजिली वेयर दिस टू एनी वेडिंग, एनी पार्टी, वेयर एवर यू वॉन्ट बिकॉज एक तो ये कम्फर्टेबल है, इसमें ठंड कम लगेगी, ऊपर से इसका कलर और डिज़ाइन जो है एकदम अप्रोप्रिएट है. आपको पूरा लुक दिखाते हो. तो दिस इज़ द फाइनल लुक और मैंने अपनी जुत्तीज पहनी है जो मैंने पहले के साथ पहनी थी और जो पैंट है उसका फिटिंग भी काफ़ी अच्छा आया है. सूट काफ़ी सुंदर लग रहा है तो आप जैसे कि मैंने बताया इसको ईजिली कम्फर्टेबली कैरी कर सकते हो. जो दुपट्टा इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, बाकी आप चाहो तो इस पर कोई वेलवेट का दुपट्टा भी ले सकते हैं, हैवी दुपट्टा आपके पास कुछ हो या फिर शॉल हो विल ऑल्सो लुक नाइस. इसका जो कलर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है बिकॉज दिस इज सो अप्रोप्रिएट, एकदम बढ़िया सा ब्राइट सा लुक आ रहा है. सो या दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक. आज की वीडियो का नेक्स्ट सूट है ये बहुत ही सुंदर सा, ये वाला मैं ऑलरेडी ट्राई कर चुकी हूँ अपने जुगाड़ वाले वीडियो में बट आई जस्ट वांटेड टू शो यू बिकॉज बहुत लोगों ने पूछा था, इट्स वेरी नाइस सूट. तो दिस इज फ्रॉम द ब्रांड शेयर बाय ससफेरास एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी नाइस. इट्स क्वाइट हैवी, ट्रस्ट मी काफ़ी हैवी वेलवेट दिया है इन लोगों ने, द क्वालिटी इज सुपर्ब, थोड़ा क्रश वाला है और इसमें इस तरीके से यहाँ पर बॉर्डर मिल जाएगा. द नेक इज ऑफ दिस टाइप विच इज वेरी प्रिटी, वेरी वेरी ब्यूटिफुल. उसका जो नेक है कुछ इस टाइप का बहुत ज़्यादा सुंदर है, इसमें पूरे में सीक्वेंस लगा कर दिया है, इट लुक्स सुपर्ब. द कलर इज़ ऑल्सो वेरी नाइस क्योंकि बड़ा डिफरेंट सा कलर दिया है इन लोगों ने, ब्रिक रेड थोड़ा सा और नीचे ये सिंपल ए लाइन कुर्ता है, देखने में बड़ा प्यारा लगता है. एंड इसके साथ कोई दुपट्टा नहीं आता, इट जस्ट कम्स विद द पैंट्स विच आर अगेन वेरी बेसिक एंड सिंपल. ये थोड़ा सा प्लाजो स्टाइल में है, थोड़ी सी वाइड है नीचे से एंड आप इसको नेकलेस के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं बिकॉज ये बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये भी काफ़ी पार्टी अप्रोप्रिएट है और इस पर कोई अपना हैवी दुपट्टा ले सकते हो. You want me to style it up, right? चलो वैसे मैंने एक बार ऑलरेडी पहन के देख लिया है बट आई एल री स्टाइल इट फॉर यू. तो दिस इज द फाइनल लुक ऑफ द कुर्ता. मैंने वही नेकलेस रखा, वही ज्वेलरी रखी
सूट दूसरा पहना और ये मेरा एक्स्ट्रा दुपट्टा था मेरे पास विच इज़ एन ऑर्गेन्जा, तो ये मैंने इसके साथ ऐड कर दिया और ये उसको बहुत ज़्यादा रिच लुक दे रहा है. आई मीन दिस इज़ सो परफेक्ट फॉर एनी वेडिंग. तो चलो मैं पूरा लुक दिखाती हूँ एंड यू आर गोइंग टू फेल इन लव. जब मैंने पहले स्टाइल किया तो मुझे बहुत बेसिक लग रहा था. मैं बोलने वाली थी कि ये कुर्ता देखने में ज़्यादा अच्छा है, पहन के उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब ये पहन के बहुत सुंदर लग रहा है. जस्ट ट्राई दिस आउट. उसका फैब्रिक वगैरह सब बहुत बढ़िया, आपको बहुत पसंद आएगा. सबसे बड़ी बात है आप इसमें बहुत कंफर्टेबल रहोगे एंड इफ यू प्रेगनेंट तो भी ये बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ पर से ये काफ़ी लूज है, तो यू विल बी वेरी कंफर्टेबल इन दिस कुर्ता सेट स्पेशली. तो देयर यू गो. एंड वही मैंने सेम जूतीज पहनी है अपनी गोल्डन वाली दीज पैंट्स, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है मुझे तो कुर्ता. बहुत सुंदर सा लुक आ रहा है इसका, दुपट्टा इसको अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है. ओवरऑल आई एम लविंग दिस लुक. तो हमारे पास अभी दो कुर्ता सेट्स बच जाए, लेकिन जब तक ब्लैक वेलवेट ना आए मज़ा कैसा आएगा. नेक्स्ट कुर्ता सेट इज अ ब्लैक वेलवेट सूट एंड इट्स अ फुल सूट. लेट्स ट्राई. ओके, सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम शेयर बाय ससफरास. मैंने अभी खोला इसको. दिस इज द साइज स्मॉल एंड तो इसमें आया है पैंट एंड सूट, इसमें दुपट्टा नहीं है. तो इसमें आपको जो नीचे वाला पैंट है इसका फैब्रिक बिल्कुल सेम है इसकी तरह, क्रश वेलवेट है ये वाला भी, और इसमें नीचे एम्ब्रॉयडरी मिलेगी पैंट में विच इज़ वेरी प्रिटी. मतलब ब्लैक के साथ गोल्डन तो मेरा फेवरेट है, इट्स ऑलवेज अ सेफेस्ट ऑप्शन. क्रीम और गोल्डन, ब्लैक एंड गोल्डन, ऑलवेज सेफ. एंड दिस इज द प्रिटी प्रिटी कुर्ता. नेक पे बहुत सुंदर सी एम्ब्रॉयडरी दी है, काफ़ी इंट्रिकेट डिज़ाइन बनाया है. स्लीव्स आर सुपर्ब जस्ट लाइक द पैंट्स. और नीचे मिलेगा ए लाइन एंड प्लेन. मैं इसको ट्राई करके आती हूँ, मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा बढ़िया लगने वाला है. जिसको ढूंढा हमने गली गली वो सूट हमें मिंत्रा की सेल में मिली. इट्स अनबीटेबल. मैंने अपना येलो दुपट्टा ले लिया बिकॉज आई डोंट हैव अनदर गोल्डन, सो आई थॉट ऑफ ट्राइंग येलो एंड इट्स ऑल्सो लुकिंग वेरी प्रिटी. मैं आपको सूट दिखा दूँ पहले. इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल एंड एलिगेंट. ये डायलॉग जा क्यों नहीं रहा है. तो इसमें ये वाली एम्ब्रॉयडरी बहुत सुंदर लग रही है. आप पूरा लुक देखो फिर आपको पता चलेगा कितना अच्छा लग रहा है ये. ओके, सो आई वांटेड टू डू सम इनोवेशन इन राइट हियर, क्योंकि ये जो सेट है ये ऑलरेडी हम दो सूट के साथ पहन चुके हैं और इतना ही एक रिपीटेड सेट में नहीं झेल पाती हूँ ज़्यादा देर तक. सो लेट्स स्विच ऑन टू सम हैवी इयररिंग्स. इट हैज़ दिस मच पॉसिबिलिटी ऑफ स्टाइलिंग. आप इसमें कुछ भी कर सकते हो. बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, पैंट भी, कुर्ता भी, स्लीव्स. आई मीन दिस इज सुपर. दिस इज़ अनदर जस्ट परफेक्ट लुक. मैंने कुछ नहीं किया, इयररिंग्स चेंज कर लिए हैं, ये दुपट्टा ऐड कर लिया है ब्लैक, एंड ये किसी डिज़ाइनर पीस से कम नहीं लग रहा है. तो प्लीज़ जाओ खरीदो इसको, वेट क्यों कर रहे हो. आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है फिर तुम लोग बोलते हो अवेलेबल नहीं. भाई अगर टाइम से नहीं लोगे तो अवेलेबल नहीं होगा. 50-90% ऑफ चल रहा है. अब तुम लोगों ने मेरी चबड़ चबड़ इतनी झेली ली है तो लास्ट पीस भी देख लो. इट्स अ ब्यूटिफुल सेट फ्रॉम सांगरिया अगेन. ये थोड़ा सा सेम पैटर्न पे है जो मैंने आपको फर्स्ट वाला दिखाया था ना, कुछ कुछ वैसा ही है. बट इसका जो सलवार है वो मेरे घर में किसी को समझ में नहीं आया, सो आई एम द ओनली वन हु विल फिगर इट आउट बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स माय डिपार्टमेंट. तो जी मम्मी को तो लगा कि ये क्या दे दिया है, गलती से दे दिया इन्होंने. सो दिस इज बेसिकली मैं पहन के दिखाऊंगी क्या है. सो बीच में ना यहाँ पे सिलाई है, बाकी ये सीधा एकदम स्कर्ट में बीच में सिलाई लगी हुई है एक तरीके से. नीचे से बंद है और इस तरीके से साइड से खुला हुआ है. सो इट्स अ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाला पैंट एनीवेज, बट इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कंफर्टेबल, ट्रस्ट मी. इस तरीके जो अतरंगी कपड़े होते हैं ना, हिप्पी वाले, कम्फर्टेबल बहुत होते हैं अलग लेवल के. का जो कुर्ता है वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. इट हैज़ दिस ब्यूटिफुल पैटर्न ऑन द नेक एंड इट्स लिटिल बिट ऑन द डीपर साइड. तो देखते हैं कैसा लगेगा. बाकी इसमें स्लीव्स पे बहुत अच्छा काम दिया गया है, तो उन लोगों ने वो कमी जो है यहाँ पर पूरी करी. और स्लीव में आगे आपको इलास्टिक मिल जाएगी. इट्स अ लॉन्ग ए लाइन कुर्ता इन द साइज मीडियम फ्रॉम सांगरिया. ओके, लेट्स ट्राई. सो दिस इज गोइंग टू बी द फुल लुक. ये जो कलर है वो मुझे मैचिंग नहीं लगा पहनने के बाद बिकॉज इसका कलर बहुत डिफरेंट है. और बाकी सारा काम एक तरफ, मॉमी ड्यूटी एक तरफ, बट एनीवेज आई जस्ट वांटेड टू शो यू बिकॉज ये जो पैंट है इसके साथ नहीं जा रहा. आप इसे किसी और चीज़ के साथ पहनोगे तो शायद ही अच्छा लगे, बट इसका नेक भी बहुत ज़्यादा डीप है, सो इट्स आउट ऑफ माय कंफर्ट जोन. तो ये वाला नहीं मैं आपको रिकमेंड करूँगी बिकॉज इट हैज़ दिस सॉर्ट ऑफ मिसफिटिंग, सो इट्स अ बिग नो. सो दैट वाज माय जेन्युइन रिव्यू. और सेल चल रही है, चेकआउट करना मत भूलना. ऑलरेडी तीसरी बार बोल रही हूँ वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है सारे प्रोडक्ट्स के. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी इन माय नेक्स्ट वन. आई नो मेरा एक्साइटमेंट लेवल थोड़ा लो हो गया, लेकिन I hope you understand.